मैं हूं तैमुरली और आप देख रहे हैं आरटी क्रिकेट। पहले इनिंग में तो क्विंटन डिकॉक और डीन एल्गर ने किसी हद तक मैच बचा लिए थे अपनी टीम के लिए, और अब सिचुएशन कुछ ऐसी है इस टेस्ट मैच की कि इस मैच का जो आखिरी दिन यानी कि फिफ्थ डे है, उस दिन इंडिया को चाहिए 9 विकेट जीतने के लिए और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका को चाहिए 384 रन ये मैच जीतने के लिए। अगर कुछ बात करें आज के दिन यानी कि चौथे दिन की और इंडिया की सेकंड इनिंग की, तो जो मेन स्टार रहे इस दिन के और इंडिया की सेकंड इनिंग के वो थे रोहित शर्मा, जिन्होंने 127 रन स्कोर किए 149 बॉल्स पर, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 10 चौके लगाए। अगर कुछ बात कर लीजिए आज के दिन की या इसके पूरे क्या कहते हैं इंडिया की सेकंड इनिंग की, तो जो दिन था ये इंडिया के नाम रहा, कम्प्लीटली इंडिया ने डोमिनेट किया इस दिन को, और बैटिंग के लिहाज से भी ये इंडिया का दिन था आज का। जहाँ पर मसला आ रहा है वहाँ वो है बॉलिंग। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके दो मेन बॉलर हालांकि खेल रहे हैं जो ब्रेंड फ्लिंडर और केकेएसआर बटलर, मगर वो अपनी लाइन एंड लेंथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मुश्किल हो रही है उनको बॉलिंग करने में। और अमूमन देखने में यही आता है कि अब सब कॉन्टिनेंट की टीम्स आती हैं एशिया में खेलने के लिए, वो स्ट्रगल करती हैं अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ, मगर जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर है जिसमें केशव महाराज है, वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस टेस्ट मैच में, जिसकी वजह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है इस टेस्ट मैच में, और इंडिया काफ़ी रन बना रहा है उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट दोनों इनिंग्स में। अगर देखा जाए दूसरी तरफ इंडियन स्पिनर्स को, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टेस्ट मैच में, अभी भी 1 आउट के आज के दिन में रविंद्र जडेजा ने डीन एल्गर को, जिन्होंने बहुत ही शानदार नॉक खेला था पहली इनिंग्स में 150 रन का, मगर इस इनिंग में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए वो। और अब देखना यह है कि क्या साउथ अफ्रीका बैट्समैन आखिरी दिन कितना खेल पाते हैं और क्या मैच या ड्रॉ की तरफ ले जाते हैं, क्या वो मैच है इसके अलावा जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाती है। इंडियन बॉलर में इतनी एबिलिटी है कि वो 9 विकेट ले सकते हैं आखिरी दिन। अगर ओवरऑल जनरल देखा जाए तो आखिरी दिन काफ़ी मुश्किल होता है बैटिंग करना, क्योंकि टीम अंडर प्रेशर होती है, आपका विकेट भी गिरी होती हैं, या 1 विकेट गिर गया साउथ अफ्रीका की अभी तो उनको 9 विकेट से बची उनके पास, तो काफ़ी मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका के लिए कल बैटिंग करना। मगर जैसा कि कम बैक किया था उन्होंने अपने पहले इनिंग्स में, हो सकता है कि बहुत अच्छी बैटिंग कर साउथ अफ्रीका कल के दिन और इस टेस्ट मैच को बचा ले। ओवरऑल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है कल का, देखते हैं कि क्या इंडिया ये मैच ले जाता है, क्या इंडिया मैच जीतता है, साउथ अफ्रीका इस मैच को बचा लेता है या टेस्ट मैच को जीत जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।